जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल को जरूर हिट करें। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और नीचे स्क्रॉल करके कमेंट बॉक्स में जरूर से फीडबैक दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चाय शाय। आज चाय शाय में मैं आप लोगों के लिए लेके आई राजस्थानी आइटम जो हमने बचपन से खाई है और हमारी नानी जी के हाथ की खाई है। तो इस आइटम की रेसिपी आपको बताएगी मेरी मौसी जो कि बाहर से आई हुई है। तो चलिए आइटम को शुरू करते हैं और रेसिपी को जरूर पूरा देखिएगा। तो हम बनाने जा रहे हैं दाल ढोकला। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ढोकला और उसके लिए हम करते हैं डोको रेडी। तो मौसी बताएगी हमें क्या क्या सामान लेना है। आटा दो बाउल लेंगे हम आटा। और ये है सूजी, तो जितना हम आटा लेंगे उससे हाफ क्वांटिटी में हमें सूजी लेनी है, ठीक है। अब डालेंगे इसमें नमक, कितना, एक चम्मच, 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया है इसमें। लाल मिर्च एक चम्मच, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालती है, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो अपने स्वाद अनुसार। ये मैंने लिया है बेकिंग सोडा, अबाउट 1 टीस्पून डाला है, थोड़ा सा कम उससे। और ये हम लेंगे अजवाइन, कितना डाला है, हाफ टी स्पून हमने अजवाइन डाला है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं और गुनगुना पानी से इसका डो रेडी कर लेते हैं। डो रेडी करने के लिए हम हाथ से लगाएंगे क्योंकि चम्मच से डो लगेगा नहीं। तो हमारा डो रेडी हो गया है। इसको हम ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं करेंगे, ज्यादा हार्ड भी नहीं करेंगे और इनके हम थोड़े से बिग साइज के बॉल्स बना लेंगे। ये हमने 2 बाउल आटा और 1 बाउल सूजी ली थी, इसमें करीबन हमारे कितने बॉल्स बन जाएंगे, 7 बॉल बन जाएंगे इसमें। तो इनको हम पहले बना के प्लेट में रख लेते हैं। ये हमारा इस तरह शेप लेंगे हम, इसको यहाँ से मिडिल से प्रेस कर देंगे। हम ये सीख लेते हैं। ये बड़ा हो गया, देखिए सारे बॉल्स हमारे सेट हो गए हैं। अब हम इनको करेंगे बॉईल, तो इसको 5 मिनट्स के लिए रख देते हैं और फिर हम इसको बॉईल करेंगे। तो ये हमारे बॉल्स सेट हो गए हैं, अब इनको हम कुकर में बॉईल करेंगे। बॉईल कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। कुकर में हमने डाला है 1 ग्लास पानी, इसके हम ऊपर रखेंगे ये कोल पत्ता। आप किसी भी बनाना ट्री से आप इसका पत्ता तोड़ के ले सकते हैं, सब जगह मिल जाता है। और इस पे अब इन बॉल्स को आप सेट कर देंगे। ध्यान रहे इसको डायरेक्ट कुकर में नहीं डालना है वरना ये चिपक जाएंगे नीचे, तो हमें हमेशा नीचे ये पत्ता लगा के ही बॉइल करना है। देखिए मैं सारे सेट कर दिए हैं, इसको हम कवर कर देते हैं और गैस पे चढ़ा देते हैं। इसको फुल गैस पे रखेंगे और 7 to 8 हम इसमें सीटी लगाएंगे कुकर की। ढोकला खाया जाता है दाल के साथ, तो जब तक हमारे ढोकला बॉईल होते हैं हम बनाएंगे दाल। ये हमने मिक्स दाल ली है, इसमें क्या क्या तरह की दाल यूज होती है बताते हैं आपको। कौन सी दाल है इसमें? मूंग दाल, रेड दाल, मसूर दाल और हला मूंग दाल, चना दाल, इस तरह की दाल हमने इसे मिक्स की है और इसको हमने 1 घंटा भिगो लिया था। इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच, हाँ, 1 चम्मच हमने नमक डाला है, हल्दी, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसको हम कुकर में चढ़ा देते हैं। इसकी हम 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। दाल हमारी बॉईल हो गई है, अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। पैन को हमने गरम चढ़ा दिया है, इसमें हम डालते हैं घी, घी हमारा मेल्ट हो रहा है।
इसमें हम ऐड करते हैं हींग पाउडर, ऐड करेंगे जीरा, तेज पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। गैस के फ्लेम को स्लो रखना है। ये अदरक हरी मिर्च हमने सेक लिया है, गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करते हैं हरी मिर्च, जैसा तीखा आप पसंद करते हैं ऐड कर सकते हैं। ये हमने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी है और ये बॉईल की हुई दाल डाल देंगे। ये हमने दाल में तड़का लगा दिया है, ढोकला हमारा बॉईल हो गया है। अब हम कुकर खोल के उन ढोकला को निकालते हैं। ये ढोकला हमारा बॉईल हो गया है, इसको हम प्लेट में निकालते हैं। हमें जितना सर्व करना है उतना ही प्लेट पे निकालेंगे। अभी मैं दो पीस निकाल रही हूँ और इस कुकर को हम वापस से बंद कर देंगे। इस ढोकला को हम मैश करेंगे। अब हम इसमें ऐड करते हैं घी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा दाल ढोकला रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, दाल ढोकला रेसिपी। इसके साथ हम नींबू और हरी मिर्च सर्व कर सकते हैं, आप चाहो तो प्याज भी ले सकते हो। और इस ढोकला में जिसे हम लोग खिचड़ी में चीनी भी मिला के खाते हैं, दलिया किसी को नमकीन पसंद होता है, किसी को चीनी का पसंद होता है, तो इस ढोकले में भी चीनी मिला के खाया जा सकता है। ये काफी लोग को चीनी के साथ भी पसंद करते हैं। तो ये थी हमारी मासी की स्पेशल रेसिपी। तो आप भी इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बहुत जल्द मासी को लेके आऊंगी इनकी नई रेसिपी।